दोस्तों, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आज मैं अपने एक दोस्त मुकेश की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कि सिनेमा हॉल में अक्सर आप लोगों को दिखा होगा। उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसको एक सवाल के माध्यम में मैं आप लोगों को पेश करना चाहता हूँ। तो एक बात आप लोगों को नहीं पता होगी कि वो मुकेश जो है हमेशा 6 सेंटीमीटर की सिगरेट पीता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। 6 सेंटीमीटर की सिगरेट पीता था। दूसरा कि जब वो एक दिन सिगरेट जलाकर और पीना भूल गया तो नॉर्मल बर्निंग में उसकी सिगरेट, उसने रिकॉर्ड किया कि वो जो टाइम था वो सिगरेट 9 मिनट तक जली। इसके बाद उसे रहा नहीं गया और उसने दूसरी सिगरेट निकाली। उसने देखा कि नॉर्मल बर्निंग प्लस पफ के केस में उसने सिगरेट को 8 मिनट में खत्म किया। मैं जरा एक जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी जो लोग सिगरेट पीते होंगे वो सिगरेट कैसे पीते हैं कि पहले वो सिगरेट को जलाते हैं, पफ करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए जब धुआं छोड़ते हैं तो वो नॉर्मल बर्निंग के लिए छोड़ते हैं। तो पफ और नॉर्मल बर्निंग दोनों साथ में चलती है। तो मुकेश ने भी यही सब एक्सपेरिमेंट करके ये रिकॉर्ड निकाले थे। तो नॉर्मल और पफ के केस में उसको 8 मिनट लगा था आपके पास सिगरेट को खत्म करने में। एक और इंफॉर्मेशन उसने देखा था कि नॉर्मल जब पफ के केस में और नॉर्मल बर्निंग के केस में, तो आपके पास पफ के केस में उसका जो एफिशिएंसी थी वो ट्रिपल थी। यानी अगर नॉर्मल बर्निंग के केस में अगर वो 1 यूनिट जलाता था तो पफ के केस में आपके पास वो 3 यूनिट जलाता था। लास्ट इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है कि आपके पास अगर उसके पफ का टाइम 3 सेकेंड है तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ पफ उसने कितने लिए होंगे। ठीक है, तो ये सवाल में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। देखिए, हम लोग कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं कि मुकेश 6 सेंटीमीटर की सिगरेट जलाता था। अब देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं कि नॉर्मल केस में उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो नॉर्मल केस में उसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट थी। पफ के केस में कितनी एफिशिएंसी? 3 यूनिट थी। अगर नॉर्मल केस में सिगरेट 9 मिनट में जल गई तो क्या मैं सिगरेट के लेंथ को 1 यूनिट टाइम में, 1 मिनट में 1 यूनिट, तो 9 मिनट में कितना? 9 यूनिट्स, ये इसकी लेंथ मान सकता हूं कि नहीं? अब देखिए, इससे होगा क्या, एक मेथड होता है एलिगेशन, जिस एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे जरा ध्यान देते हैं कि हमारे पास नॉर्मल बर्निंग प्लस पफ और यहां पे बीच में हम लोग टोटल केस की बात करेंगे। नॉर्मल केस में जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी? 1। पफ के केस में एफिशिएंसी कितनी थी? 3। अगर हम लोग टोटल ओवरऑल की बात करें तो आपके पास 9 यूनिट्स, जो आपके पास ये लेंथ था, ये 8 मिनट में जला था, यहां पे मेंशन्ड है। तो 9 मिनट का अगर आपके पास 9 यूनिट लेंथ जो है 8 मिनट में जला था तो 1 मिनट में कितना जला होगा? दैट इज 9/8। अब देखिए, यहां पे बात कर रहा हूं एफिशियंसी की। एफिशियंसी क्या होता है हमारे पास? दैट इज वर्क अपॉन टाइम। अब ये वर्क अपॉन टाइम होता है, इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है कि हमेशा एलिगेशन में डिनोमिनेटर का रेशियो आता है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपके पास यहां पे नॉर्मल बर्निंग के केस में हमने लिखा हुआ है यहां पे दैट इज 1, तो अगर यहां पे फ्रैक्शन बन रहा है तो उसको लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि डिनोमिनेटर में मुझे 8 दिखा तो 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से मल्टीप्लाई करने में कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम 9, और ये 8 = 24। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का डिफरेंस लेंगे। तो 8 और 9 का डिफरेंस इधर आएगा, दैट विल बिकम 1। 9 और 24 का डिफरेंस इधर आएगा, दैट इज कितना हमारे पास? 15। तो अगर आप देखिए, एफिशिएंसी अगर हम लोग यूज करेंगे तो रेशियो किसका आएगा? टाइम का आएगा। तो ये जो रेशियो आ रहा है वो किसका आ रहा है? टाइम का रेशियो आ रहा है। तो टाइम का रेशियो कितना है? नॉर्मल बर्निंग में आपके पास टाइम का रेशियो 15 और पफ के केस में आपके पास कितना? 1। टोटल देखिए कितना टाइम लगा था, 8 मिनट का टाइम लगा था जब दोनों साथ में काम कर रहे थे। और यहां पे कितना आ रहा है? 15 और 1 मिला के कितना हो गया? 16। यानी अगर 16 टाइम का वैल्यू 8 मिनट के बराबर है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? दैट इज 1/2 मिनट्स का। और देखिए, पफ वाले केस में 1 यूनिट टाइम तक ये पफ ले रहा है, यानी ये टाइम कितने के बराबर हो गया? हाफ मिनट। कितने के बराबर होता है? दैट इज 30 सेकेंड के बराबर होता है। यानी 30 सेकेंड तक उसने पफ लिया था, 30 सेकेंड तक पफ लिया था। सवाल में ये पूछा हुआ कि कितने पफ लिए होंगे उसने, तो अगर एक पफ 3 सेकेंड का था तो 30 सेकेंड में उसने कितने पफ लिए होंगे? तो नंबर ऑफ पफ दैट विल बी
30/3 एंड दैट इज इक्वल टू 10 एंड दैट्स माय आंसर। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मुकेश की कहानी समझ में आई होगी और मुकेश के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ पफ उसने कितना लिया था और यही उसकी मुकेश की आखिरी सिगरेट थी जिसमें उसने पफ 10 लिए थे। थैंक यू।